राजस्थान के कोटा में एक दर्दनाक हादसा हो गया। छठी मंजिल से नीचे गिरकर एक स्टूडेंट की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल स्टूडेंट दोस्तों से बात कर रहा था, इसी दौरान वो बालकनी के जाली से टेक लगाकर खड़ा होने की कोशिश करता हुआ दिखा और बालकनी की जाली क्योंकि टूटी हुई थी तो वो अचानक नीचे गिर गया और इस हादसे में छात्र की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। इस दौरान लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया, जेसीबी में तोड़फोड़ की। इस मामले में 8 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। प्रशासन ने हमले को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। डोडा में जमीन धंसने से 6 इमारतों में दरारें आ गई हैं। पूरे इलाके के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। दरारों की वजह से अब तक 19 मकान, 1 मस्जिद और 1 मदरसे को खाली करवाया गया है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में छापेमारी के दौरान एसएचओ पर महिलाओं से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो भी अब सामने आ चुका है जिस पर एक्शन लेते हुए डीसीपी ने आरोपी पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए। हरियाणा के करनाल में अवैध खनन माफिया का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अवैध खनन की जांच करने पहुंचे डीएसपी को माफियाओं ने डंपर से कुचलने की कोशिश की। पुलिस ने मौके से एक जेसीबी को जब्त किया जबकि आरोपी डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस इस मामले में जमीन मालिक और उसके बेटे से पूछताछ में जुटी है। दिल्ली का सुल्तानपुरी इलाका एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जहां बाइक सवार बदमाशों ने घर पर फायरिंग की। बदमाश ने गेट खोलकर घर के अंदर गोली चलाई, हालांकि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं की जा सकी है। असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाकर 2044 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दुल्हा, उसके परिजन और विवाह कराने वाले पंडित और मौलवी शामिल हैं। पुलिस के पास ऐसे 8000 आरोपियों की सूची है जो बाल विवाह में शामिल हैं। ये अगले 3 से 4 दिन तक जारी रहेगी। तेलंगाना के वारंगल में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम के बाद आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। गोदाम में लकड़ी का सामान होने की वजह से आग तेजी से फैली। आग में लाखों का सामान जलकर खाक होने की खबर है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के डंपिंग यार्ड में लगी आग अब तक बुझ नहीं पाई है। शुक्रवार की देर शाम लगी भीषण आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी जरूर हैं। आग इतनी भयानक है कि दूर दूर तक इस आग की लपटें और धुआं नजर आ रहा है। गुजरात के जामनगर से बीजेपी विधायक रिवाबा जाडेजा एक्शन में आ गई हैं। रिवाबा जाडेजा इलाके में बन रही सड़क का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान रिवाबा ने खुद सड़क की जांच की जिसमें सड़क निर्माण में हो रही गड़बड़ी की पोल खुली। इसके बाद मौके पर ही रिवाबा ने ठेकेदार की क्लास लगाई, तुरंत काम बंद करा दिया, अधिकारियों को भी निर्देश दिए। गुजरात के नवसारी में एक दुल्हा जेसीबी पर चढ़कर शादी करने के लिए पहुंचा। दरअसल दुल्हा समाज में कुछ अलग करने की सोच रखता था और फिर यूट्यूब पर देखकर उसे जेसीबी का आइडिया आया, इसीलिए जेसीबी पर वो सवार होकर पहुंचा। शादी की बात की जाए तो इस अनोखी बारात को देखने के लिए लोगों की भी भीड़ उमड़ पड़ी और इस दौरान बारातियों ने भी जमकर डांस किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।